हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक सांप के बारे में, जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या आपको पता है, डायनासोर के समय सांप डायनासोर से भी बड़े होते थे और कई सांपों के पंख भी होते थे, जिससे वो हवा में उड़कर पक्षियों का शिकार कर सकें। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं सांप से जुड़ी कुछ रोचक बातें जो आपको हैरान कर देंगी। सांप इस धरती पर 130 करोड़ साल से है, यानी कि डायनासोर के समय से, जिनमें कई सांप अपने से बड़े डायनासोर का शिकार आसानी से कर लेते थे। दुनिया में सांपों की लगभग 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से केवल 20% प्रजातियों में जहर पाया जाता है। दुनिया में हर साल सांपों द्वारा 500,000 लोग मारे जाते हैं, जो किसी भी जानवर द्वारा सबसे अधिक है। दुनिया में कोई भी सांप बिना छेड़े कभी नहीं काटता। काटने की अधिकतर घटनाएं उन पर पैर रख देने की वजह से होती हैं। सांप कभी भी किसी चीज को चबाकर नहीं खाते, बल्कि सीधे निगल जाते हैं। दुनिया भर के सांप छिपकली, चूहे, मेंढक, पक्षी और अपने से छोटे सांपों को भी खा जाते हैं। अफ्रीका का अजगर तो छोटी गायों को भी निगल जाता है, जिसे एनाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत बड़ा और विशाल होता है। अफ्रीका में पाए जाने वाले इस सांप पर रिसर्च चल रही है। वैज्ञानिक पता लगाना चाहते हैं कि आखिर इसके शरीर में ऐसा क्या है जिससे इनका शरीर काफी विशाल बन जाता है और बाद में इसका उपयोग इंसानों पर किया जा सके। नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार सांप एक बार में अपने से बड़ा शिकार भी निगल सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सांप अपनी नाक से नहीं, अपनी जीभ से सूंघता है। अपनी जीभ से सांप अपने आसपास के माहौल का भी पता लगा लेते हैं। सांप साल में करीब 3 बार अपनी शरीर की पूरी चमड़ी को बाहर निकाल देता है। क्या आपको पता है, अफ्रीका में पाई जाने वाली एक प्रजाति एनाकोंडा, जिसके सामने इंसानों की बलि देते हैं ताकि वो उसे खा सके और दोबारा उनके कबीले के लोगों पर हमला ना करे। ज्यादातर वो बाहर से आए हुए लोगों को पकड़कर उनकी बलि देते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सांप को कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि सांप बहरे होते हैं। बीन की आवाज सुनकर सांप का आना केवल लोगों में फैला अंधविश्वास है। अगर कभी सांप पीछे पड़ जाए तो अपनी जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि जिगजग बनाकर दौड़े। सीधा दौड़ने पर सांप आपका पीछा आसानी से कर सकता है, लेकिन टेढ़ा दौड़ने पर सांप आपका लंबे समय तक पीछा नहीं कर पाएगा। सबसे दुर्लभ और लुप्त की कगार पर खड़ा सांप सेंट लुइस रेमर है। इनमें से केवल सिर्फ 1800 सांप ही बचे हैं। दुनिया भर में सांपों की केवल 70% प्रजातियां ही अंडे देती हैं, बाकी 30% प्रजातियां डायरेक्ट बच्चे पैदा करती हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।